जिला विधिक सेवा पदाधिकारी द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में 10 जुलाई को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत आयोजन किया गया, जिसको लेकर विभाग स्तर पर तैयारी चल रही है। नेशनल लोक अदालत में पक्षकार ऑनलाइन या कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो सकते हैं। उपरोक्त बातें बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाह चेयरमैन जिला विधिक सेवा पदाधिकारी राम शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि अब तक 1600 मामले निपटारे के लिए चिन्हित किए गए हैं, यह संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अदालत में मुकदमे के निष्पादन होने पर दोनों पक्षकारों के सम्मान की रक्षा होती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है। लोक अदालत में मुकदमे का निपटारा होने पर उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन के लिए लगातार विभिन्न विभागों के साथ ऑनलाइन बैठक की जा रही है। पक्षकारों की सुविधा देने के लिए विभागों द्वारा स्क्रीन भी लाया गया है, जिसमें जुर्माने की राशि में पक्षकारों को रियायत दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायिका पदाधिकारी के साथ डालसा के अधिवक्ता, संबंधित विभाग के पदाधिकारी ऑनलाइन व फिजिकल शामिल होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने विवादों का निपटारा ई नेशनल लोक अदालत में कराएं। आप अधिक से अधिक केस इसमें इसका डिस्पोजल हो, इसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए? 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बैंक ऋण से संबंधित मामले, बिजली से संबंधित मामले, रेलवे से संबंधित मामले, दीवानी मामले, मोटर एक्सीडेंट से संबंधित मामले और उनसे क्लेम से संबंधित मामले, 138 सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि चेक बाउंस से संबंधित मामले का केस उनको भी दिया जाएगा, जो क्रिमिनल मैटर्स जिसमें दोनों पार्टी की रजामंदी से सुलह हो सकता है उन मामलों को, और मैट्रिमोनियल केसेस जो वैवाहिक संबंधित मामले होते हैं उन मामलों को, उत्पाद एक्साइज से संबंधित मामले, वन विभाग से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले और मनरेगा से संबंधित मामले और अन्य सभी मामले जिसमें दोनों पार्टी अपनी रजामंदी से अपने केसेस को सुलह के आधार पर खत्म करना चाहते हैं, निष्पादन कराना चाहते हैं, वो 10 जुलाई पे आवे और राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन हो रहा है इसका भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें जो भी मामले पर निष्पादन होगा दोनों पार्टियों की रजामंदी और सुलह के आधार पर होगा, जो कि ना कि किसी के अगेंस्ट में जाएगा ना किसी के फेवर में जाएगा, दोनों को इक्वली ट्रीट करके दोनों के फेवर में माना जाएगा उसको। कितने बैच बनेंगे सर? बैच कितना रहेगा? इसमें अधिक संख्या में बेंचों का गठन किया जाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि काफी संख्या में जो वादी हैं और काफी संख्या में लिटिगेंट्स ये आने की उम्मीद है, उनको काफी संख्या में नोटिस भी भेजे गए हैं। 5 से 9 तारीख के बीच में उनको बुलाया गया है ताकि 10 तारीख को अधिक भीड़ ना हो तो उनका केसेस का निपटारा पहले ही आ जाए और 10 तारीख को फाइनली उनसे सिग्नेचर करा के, जिसमें कुछ पैसा वैसा भी हो उसको जमा करा के, रसीद इशू करके और वो टाइमली अपने घर चले जाए। कोरोना पीरियड में भी कितने केसेस और ज्यादा बर्डन कितना भी बना है? अभी तक हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 1600 मामलों को आइडेंटिफाई किया है और हमारे जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं और भी मामले देख रहे हैं जिसमें दोनों पार्टी की रजामंदी से केसेस सुलह के आधार पर निष्पादित हो सकते हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसमें एक चीज और बता दूं आपको कि जो नेशनल लोक अदालत है, जो भी लिटिगेंट्स कोर्ट में आएंगे वो सभी कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, जिसको भी कोई मास्क वगैरह की कोई परेशानी है नहीं पहना उसको यहां से प्रोवाइड किया जाएगा मास्क।